फिजिक्स में हम लोग देख रहे हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी। लास्ट टाइम हमने देखा था रिलेशन बिटवीन करंट डेंसिटी सिग्मा और ई के बीच में रिलेशन। ठीक, आज जस्ट उसका आगे हम लोग बात करने वाले हैं, ये टॉपिक जिसका नाम है आपका इलेक्ट्रिक एनर्जी। इलेक्ट्रिक का मतलब विद्युत, एनर्जी का मतलब ऊर्जा, यानी कि विद्युत ऊर्जा। विद्युत ऊर्जा किसको कहते हैं? व्हाट डू यू मीन बाय द इलेक्ट्रिक एनर्जी? ठीक, तो क्या किसको कहते हैं? किसी सर्किट को, मेरा बात ध्यान सुनेगी, किसी सर्किट का मतलब समझ में आता है? सर्किट जैसे कि मान के चलिए कि आपका टीवी हो गया या आपका कंप्यूटर हो गया, टोटली उसमें क्या भरा पड़ा है? सर्किट। तो किसी सर्किट को में करंट को मेंटेन रखने के लिए सोर्स जितनी अपने से पोटेंशियल को क्या करता है, सप्लाई करता है, वही उसका क्या कहलाता है? वर्क डन कहलाता है। समझ में आया? सोर्सेस मतलब सोर्सेस, जैसे कि आपने टीवी देख रहे हैं तो किससे कनेक्ट किए हैं? एसी करंट से। तो एसी करंट वहां पे क्या है? सोर्स है, स्रोत है। तो उसको चलने के लिए, आपका सर्किट को चलने के लिए सोर्सेस द्वारा क्या करते हैं? करंट को मेंटेन किया जाता है। अगर वही कम हो जाए तो क्या आपका टीवी आप देख पाएंगे? अब ऐसा हुआ भी होगा आपके पास, आपके साथ में, कि आपका टीवी चल रहा है, एकाएक पोटेंशियल कम हो गया तो वो अपना करंट को मेंटेन नहीं कर पाया, तो आप सडनली आपका टीवी क्या होता है? बंद हो जाता है। समझ में आ गया? तो जो वहाँ से आपको जो करंट मेंटेन करता है किसी सर्किट को चलाने के लिए, वही क्या कहलाता है? उसका वर्क डन कहलाता है। क्लियर? देखिए इसका डेफिनेशन, द वर्क डन बाय ए सोर्स, मतलब सोर्स के द्वारा किया गया काम। जैसे कि एसी करंट हमारा सोर्सेस है, या आपका डीसी करंट भी क्या है? सोर्सेस है। टू मेंटेन ए करंट, किसको मेंटेन करता है वो? करंट इन इलेक्ट्रिकल सर्किट। कहाँ पे? इलेक्ट्रिक सर्किट पे, इज नोन एज इलेक्ट्रिक एनर्जी। एनर्जी, ठीक, इसको हम ई से रिप्रेजेंट कर दिए हैं। समझ में आया? ई फॉर इलेक्ट्रिक एनर्जी, ई इक्वल टू एच। अब देखिएगा, जितना ज़्यादा उसमें एनर्जी होगा, इलेक्ट्रिक एनर्जी होगा, उतना ज़्यादा वहाँ से हीट भी प्रोड्यूस होता है। नहीं समझ में आया? अब देखे होंगे बहुत ज़्यादा देर तक आप इंस्ट्रूमेंट चलाएं, जैसे कि टीवी देखें, तो आपका टीवी भी क्या होता है? गर्म हो जाता है, तो क्या प्रोड्यूस करने लगता है वो? हीट। तो हीट भी तो क्या है हमारा? अनदर फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो इसीलिए हमने यहाँ पे क्या लिखा? ई इक्वल टू एच, यानी कि इलेक्ट्रिक एनर्जी इक्वल टू हीट एनर्जी इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। ठीक, अब ये कहाँ से आया, इसको हमको प्रूव करना है, और यही होता है आपका इलेक्ट्रिक एनर्जी। ठीक, तो चलिए इसको प्रूव करते हैं। ये आया कहां से? वी नो दैट Q इक्वल टू क्या होता है? नहीं, चार्ज इक्वल टू करेंट इंटू टाइम। सबको लैंग्वेज में लिखना, कितना लिखेगी, इतनी सी बात समझ में आता है। Q फॉर चार्ज इक्वल टू I फॉर करेंट इंटू टाइम। हो गया? Yes, आया समझ में? Yes, और ऑल्सो पोटेंशियल इक्वल टू, पोटेंशियल इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू या क्यू नोट लिख सकते हैं। बात समझ में आया? हाल फिलहाल में ही पढ़े हैं इसका। पोटेंशियल इक्वल टू वर्क डन बाय टेस्ट चार्ज या यूनिट चार्ज। याद आया कुछ? Yes, sir. तो क्या आप यहां से डब्ल्यू को बाहर निकाल सकते हैं? Yes, sir. तो डब्ल्यू को बाहर निकाले तो क्या मिलेगा आपको? हाँ, डब्ल्यू बाहर निकाले तो वी इंटू क्यू। क्लियर? हो गया? इतनी सी बात समझ में आया? चलिए इसको इक्वेशन दे दे क्या? फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, ध्यान दीजिएगा, क्यू इक्वल टू,
सही लिख रहा है ना? नहीं, गलत लिखती है, रुको थोड़ा सा, कहाँ गया मिटाने वाला? ये इक्वेशन सेकंड, इसको सेकंड लीजिए और लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, सेकंड इक्वल टू क्या है? W इक्वल टू बताइए, भी तो भी रहने देते हैं, ठीक, ये क्या है आपका Q, Q इक्वल टू आई टी, W क्या है यहाँ पे? वर्क डन किसके बराबर होता है? एनर्जी के बराबर होता है, कोई भी एनर्जी वहां पे जिस प्रकार का भी एनर्जी लग रहा है उस एनर्जी के बराबर होता है टोटल वर्क डन। तो यहां पे आपने टोटल वर्क डन निकाला, तो ये वर्क डन किसके बराबर होगा? इलेक्ट्रिक एनर्जी के बराबर होगा। क्या बात समझ में आया? तो इलेक्ट्रिक एनर्जी को आप रिप्रेजेंट किए हैं किससे? तो ई से, तो ई इक्वल टू डब्ल्यू इक्वल टू वी आई टी। क्लियर? आगे और बढ़े। अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, जानते हैं? हाँ, वी इक्वल टू क्या होता है? वी इक्वल टू आई आर। अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ वी इक्वल टू आई आर। इक्वेशन नंबर थ्री, फ्रॉम इक्वेशन थ्री बोलिए, E इक्वल टू क्या है आपके पास में? भी है? yes, क्या भी के जगह में आप आई आर लिख सकते हैं? yes, फिर आपके पास में क्या है? आई टी। तो E इक्वल टू आई इंटू आई, आई स्क्वायर, नहीं नहीं, yes, यहाँ पे हमने कैपिटल लगा दिया, इसमें आपको स्मॉल आया। ये टी फोर भी क्या होता है? टाइम। ये हमारा बेसिकली किसके लिए होता है? हीट के लिए। समझ में आया? किसके लिए होता है? हीट। जब हम कोई सर्किट में इलेक्ट्रिक करंट सप्लाई कर रहे हैं वहां से क्या प्रोड्यूस हो रहा होगा? हीट प्रोड्यूस हो रहा होगा। चलिए, एस आई यूनिट ऑफ ई यानी कि इलेक्ट्रिक एनर्जी, एनर्जी है, चाहे कुछ भी एनर्जी हो लेकिन क्या है? एनर्जी है। तो एनर्जी का ऐसा यूनिट क्या होता है? एनर्जी का ऐसा यूनिट क्या होता है? जूल। तो इलेक्ट्रिक भी एनर्जी है तो इसका भी ऐसा यूनिट क्या होगा? जूल होगा। समझ में आया? चलिए ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, और E इक्वल टू अब क्या सीखे हैं ध्यान से देखिएगा, भी आई टी, ये निकाल चुके हैं। ई yes, क्या था आपका? इलेक्ट्रिक एनर्जी, जिसका ऐसा यूनिट क्या है? जूल। अगर हम इसके बदले में इसका ऐसा यूनिट क्या लिखें? वन जूल इक्वल टू बताइए, वन वोल्ट, वन एम्पियर और वन सेकेंड। क्या इसका यूनिट बनेगा? वन वोल्ट एम्पियर सेकेंड। बात पता चला यहाँ पे? याद रखिएगा, वन जूल इक्वल टू वन वोल्ट एम्पियर सेकेंड। कहाँ से आया पता चला? yes, इधर आरोही से बात कर रहे हैं हम, नहीं यहाँ पता चला? yes, समझी या नहीं समझी? ये ई क्या है आपका? क्या है ई? एनर्जी। एनर्जी का यूनिट क्या होता है? जूल। ये क्या है भी आपका? पोटेंशियल। पोटेंशियल का यूनिट क्या होता है? वोल्ट। आई क्या है आपका? करेंट। करेंट का यूनिट क्या होता है? एम्पियर। और ये टी क्या है? टाइम। टाइम का यूनिट क्या होता है? सेकेंड। ठीक, ध्यान दीजिएगा, केवल कॉपी भरने से कोई फायदा नहीं है। पूछना है किसी को?
किसको कहते हैं? इलेक्ट्रिक पावर। इलेक्ट्रिक का मतलब विद्युत, पावर का मतलब शक्ति, विद्युत शक्ति। तो पिछले क्या पढ़े थे आप? विद्युत ऊर्जा, और ये क्या है? विद्युत शक्ति। क्या समझते हैं इसके बारे में? इलेक्ट्रिक पावर, विद्युत शक्ति, इलेक्ट्रिक एनर्जी यानी कि विद्युत ऊर्जा के कार्य करने की दर को क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक पावर कहा जाता है। समझ में आया? विद्युत ऊर्जा की कार्य करने की दर को क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक पावर यानी कि विद्युत शक्ति कहा जाता है। क्लियर? तो लिखें इसका डेफिनेशन। इलेक्ट्रिक पावर में भी डिफाइंड एज, इलेक्ट्रिक पावर में भी डिफाइंड एज, इलेक्ट्रिक पावर में भी पावर किसका किसका? इलेक्ट्रिक क्या प्रोड्यूस करेगा? एनर्जी प्रोड्यूस करेगा, और कितना प्रोड्यूस करेगा? पर यूनिट टाइम प्रोड्यूस करेगा। क्या कहलाता है आपका? इलेक्ट्रिक पावर कहलाता है। फिजिक्स की भाषा में इलेक्ट्रिक पावर को पी से रिप्रेजेंट किया जाता है। पी वेक्टर नहीं, केवल पी। पी वेक्टर तो आपका डाइपोल मोमेंट हो जाएगा, ठीक। इलेक्ट्रिक पावर को हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे? पी। पी इज इक्वल टू बोलिए एनर्जी प्रोड्यूस बाय टाइम, पर यूनिट टाइम लिखा हुआ है। यानी कि यह हुआ P इक्वल टू एनर्जी प्रोड्यूस। एनर्जी को आप रिप्रेजेंट किससे किए थे? E से, और टाइम के लिए T। समझ पा रही है? बट E क्या था आपका? एनर्जी। कैसा, कौन सा एनर्जी? इलेक्ट्रिक एनर्जी। इलेक्ट्रिक एनर्जी इक्वल टू क्या सीखे? आई स्क्वायर आर टी। स्मॉल या कैपिटल आप लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक। यहाँ पे स्मॉल टी है तो यहाँ पर भी स्मॉल टी दे दीजिए, और यहाँ पे कैपिटल देना है तो यहाँ पर भी आप कैपिटल टी भी दे सकते हैं, यानी कि ये टाइम ही है, ठीक। समझ में आया? डाउट तो नहीं है? देयरफॉर पी इक्वल टू ई के जगह में आई स्क्वायर आर टी बाई टी। क्या टी से टी कैंसिल होगा? तो पी इक्वल टू क्या मिलने वाला है? आई स्क्वायर आर है। ध्यान दीजिएगा। ऑल्सो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, आई इज इक्वल टू जल्दी वी बाई आर। हड़बड़ाती है बहुत, ओम्स लॉ में नहीं पढ़ी है? पढ़े हैं। आई इज इक्वल टू वी बाई आर। अगर आई इज इक्वल टू वी बाई आर हुआ तो पी इज इक्वल टू, ये आपका आई है, मतलब क्या होगा सुंदरी? वी बाई आर का स्क्वायर, स्क्वायर है तो स्क्वायर देंगे, इनटू क्या है आपके पास में? आर। क्या बात समझ में आया? और पी इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर स्क्वायर इनटू आर, दोनों का स्क्वायर था। नहीं समझ में आया? आया। क्या कैंसिल होगा यहां से? ये आर से आर कैंसिल, तो इस केस में पी का वैल्यू वी स्क्वायर बाई आर मिला। थोड़ा सा और ऊपर दिखिएगा, ठीक। यहां बना देते हैं, ऑल्सो आर इक्वल टू ओम्स लॉ के अनुसार आर इक्वल टू
भी बाई आई होता है। तो बताइए P इक्वल टू भी स्क्वायर मतलब क्या बाई नीचे क्या है R, R के जगह में भी बाई आई होगा। ये फर्स्ट के साथ में मल्टीप्लाई होगा मतलब I भी स्क्वायर बाई भी, ये भी से भी कैंसल तो P इक्वल टू क्या मिला आई भी। समझ पाई? डाउट है किसी को पूछना है? एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर क्या होता है? वाट, यानी कि इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग डब्ल्यू से। क्लियर? अब क्या सीखे? पी इक्वल टू आई भी सीखे। पी क्या था? पावर, इलेक्ट्रिक पावर। अगर इलेक्ट्रिक पावर को हम क्या मान ले? वन वाट, तो क्या होगा? वन एम्पियर वोल्ट। एक एम्पियर करंट और एक वोल्ट का प्रोडक्ट क्या कहलाता है? वन वाट। नहीं समझ में आया? यही तो यहां पे कह रहा है, ये कितना? वन एम्पियर करंट और वन वोल्ट पोटेंशियल, दोनों का प्रोडक्ट। प्रोडक्ट का मतलब मल्टीप्लीकेशन, क्या कहलाता है? वन वाट कहलाता है। क्वेश्चन में अगर आता है तो आप लिख पाएंगे कि व्हाट डू मीन बाय द वन वाट, एक वाट से आप क्या समझते हैं, तो क्या लिखेंगे? द प्रोडक्ट ऑफ वन एम्पियर, वन एम्पियर करंट लिख सकती है एंड वन वोल्ट पोटेंशियल आर नोन एज वन वाट। बिगेस्ट यूनिट किसका? इलेक्ट्रिक पावर का बड़ा यूनिट हो गया। ध्यान दीजिएगा, 1 kW, 1 kW, 1 kW का मतलब 1 kW इक्वल टू 10³ वाट होता है। हो गया? आगे ध्यान दीजिए, 1 MW, 1 MW, पेपर सब में पढ़ी होगी, किलोवाट या मेगावाट, 1 MW मतलब 10⁶ वाट के बराबर होता है। हो गया? यह यूनिट याद रखिएगा, ठीक। 1 kW इक्वल टू 10³ वाट, 1 MW इक्वल टू 10⁶ वाट, ठीक। प्रैक्टिकल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर, इलेक्ट्रिक पावर का प्रैक्टिकल यूनिट, प्रैक्टिकल मतलब समझ में आता है ना, रोज दिन जाती है प्रयोगशाला प्रैक्टिकल करने। हाँ, क्या होता है प्रैक्टिकल का हिंदी? प्रयोग होता है। तो इसका प्रायोगिक इकाई किसका? इलेक्ट्रिक पावर का क्या होता है? हम HP लिख दें क्या? आप पूरा नाम लिख लेंगे, हॉर्स पावर। सुने हैं नाम? हाँ, हॉर्स पावर हो गया। 1 HP मतलब 1 horsepower इक्वल टू 746 वाट के बराबर होता है। HP का मतलब एक जवान हट्ठा कट्ठा घोड़ा का बल। समझ में आया? HP का मतलब यही होता है कि
बूढ़ा बूढ़ी वाला घोड़ा नहीं, मतलब क्या बोलेंगे, मजबूत। उस घोड़ा में जितना बल है उतना बल को एक एचपी कहा जाता है। जैसे आप कोई मशीन खरीदते हैं, मोटर वगैरह, तो देखते हैं होंगे वो क्या रहता है, एक एचपी, दो एचपी, तीन एचपी, क्या दिखाता है वो, इतना सा इतना बड़ा मोटर है ना, तो मान के चलो कि वो चार एचपी का है। तो उस इतना ही बड़ा मोटर में इतना पावर है कि वो चार घोड़ा के बराबर काम कर सकता है। समझ में आया? और एक एचपी कितना वाट के बराबर? 740 वाट के बराबर। अब 10 रुपया में एक बल्ब मिलता है जनरली, देखें हाँ, वो 100 वाट का बल्ब होता है। कितना का होता है? 100 वाट का। अगर आप 7 बल्ब लगा दिए ना घर में, तो आपका एक एचपी के बराबर वो एनर्जी कंज्यूम कर लेता है ना। जबकि ये आपका एलईडी कितना का है? 7 वाट, 5 वाट, 9 वाट, 12 वाट। समझ में आ रहा है? हाँ, ये प्रैक्टिकल यूनिट आप याद रखेंगे और ये वैल्यू भी याद रखेंगे, ठीक। इसका तीन यूनिट, एक तो हमारा वाट या क्या हुआ 1 एम्पियर वोल्ट, दूसरा 1 किलोवाट 10^3, ये 6, और एक हो गया आपका एचपी प्रैक्टिकल यूनिट, और 1 एचपी किसके बराबर? 746 वाट के बराबर। क्लियर? तो ये था आपका इलेक्ट्रिक पावर। विद्युत एनर्जी की कार्य करने की दर है ना, क्या कहलाती है? इलेक्ट्रिक पावर कहलाती है। या दूसरी भाषा में आपने क्या सीखा? रेशियो ऑफ द एनर्जी प्रोड्यूस बाय इलेक्ट्रिक टू द पर यूनिट टाइम। लिखी है ना अभी? यानी कि पी इक्वल टू ई बाई टी। कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टर्स, हो गया? ये कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टर हमारा दो प्रकार का होता है, एक सीरीज कॉम्बिनेशन और एक पैरेलल कॉम्बिनेशन। जैसे आप कैपेसिटर भी पढ़े हैं, एक सीरीज और एक पैरेलल पढ़े हैं ना, उसी तरह से रेसिस्टर भी क्या होता है, दो तरह का कॉम्बिनेशन होता है, एक सीरीज में और एक पैरेलल पे, ठीक। पहले तो हम ये जानेंगे कि रेसिस्टर किसको कहते हैं, हम पढ़ चुके हैं रेसिस्टर। किसको कहते हैं रेसिस्टर? रेसिस्टर इज द प्रॉपर्टीज ऑफ कंडक्टर है, फिच इज रेसिस्ट किसको, टू द फ्लोवेशन ऑफ करेंट। जो करेंट बहता है उसको क्या करता है, रेसिस्ट करता है, रोकता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, रेसिस्टर कहते हैं। ये आपका कंडक्टर का क्या होती है, प्रॉपर्टीज होती है। ये क्यों उत्पन्न होता है, क्यों होता है उत्पन्न, नहीं पढ़े हैं? कॉज ऑफ रेसिस्टर। देखो, जब जैसे हम सेल से किसी कंडक्टर को जोड़ते हैं, तो वहां के फ्री इलेक्ट्रॉन्स को भागने के लिए क्या मिलता है, दरवाजा मिल जाता है, और वहां पे बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स एक साथ पॉजिटिव टर्मिनल पे क्या होते हैं, पहुंच जाते हैं, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन में क्या होने लगती है, कोलिजन होने लगती है, टक्कर पैदा होती है, और इलेक्ट्रॉन्स को अपना डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए क्या करना पड़ता है, समय लगता है। इस वजह से क्या प्रोड्यूस होने लगता है, आपका रेसिस्टेंस प्रोड्यूस होने लगता है। पढ़ चुके हैं? तो चलिए बात करते हैं हम लोग कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टर की। ये कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की। वैसे तो हम बनाना चाहें तो तीन प्रकार बना सकते हैं। कौन कौन? एक सीरीज में,
एक पैरेलल में और एक मिक्स, दोनों सीरीज और पैरेलल को दोनों एक साथ में मिला भी सकते हैं, लेकिन बेसिकली हमको दो ही पढ़ना है। ठीक, चलिए, कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टर में हमारा जो पहला टॉपिक आएगा उसका नाम देंगे हम लोग रेसिस्टर्स इन सीरीज। सीरीज हो गया। रेसिस्टर का सिंबल आप लोग को आता है? हाँ, रेसिस्टर का सिंबल ये है, रेसिस्टेंस का सिंबल, कैपेसिटेंस नहीं समझना, ये रेसिस्टेंस। ठीक, अब ये रेसिस्टेंस है तो इसका भी दो टर्मिनल होगी, एक पॉजिटिव टर्मिनल और एक नेगेटिव टर्मिनल। सपोज दैट इस टर्मिनल को आप क्या मान लेते हैं, पॉजिटिव, तो ये टर्मिनल क्या होगा आपका, नेगेटिव। क्लियर? जैसे कोई भी इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट, सिंपल भाषा में आपको समझाते हैं, कोई भी इलेक्ट्रिकल डिवाइस जो इलेक्ट्रिक चार्ज को कंज्यूम करता है, मतलब इलेक्ट्रिक चार्ज को खाता है, क्या कहलाती है, रेसिस्टेंस कहलाती है। बात समझ में आया? ये पंखा इलेक्ट्रिक चार्ज को खा रहा है, तो ये रेसिस्टेंस है कि नहीं है। समझ में आया? हम इंस्ट्रूमेंट की बात कर रहे हैं, लेकिन बेसिकली रेसिस्टेंस क्या होती है, प्रॉपर्टीज होती है कंडक्टर पे, लेकिन उससे भी बड़ा रेसिस्टेंस आपका ये डिवाइस है। हीटर देखें, खाना बनाने वाला, वो रेसिस्टेंस नहीं है? है। बोलो, उसमें स्प्रिंग लगा होता है, उसका दो टर्मिनल होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव। उसमें जितना भी करंट सप्लाई करते हैं सबको क्या करता है, कंज्यूम करता है, और आपको क्या देता है, एनर्जी देता है। एनर्जी बोलो ना, हीट क्या बोल रही है, हीट इज द अनदर फॉर्म ऑफ एनर्जी, तभी तो खाना बनता है। समझ में आया? तो सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टर किसको कहेंगे? सपोज दैट हमारे पास में बहुत सारे रेसिस्टर हैं, ठीक, तो पहला रेसिस्टर का नेगेटिव टर्मिनल दूसरा रेसिस्टर का पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ा होगा, और दूसरा रेसिस्टर का फिर से नेगेटिव टर्मिनल तीसरा रेसिस्टर का पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ा हुआ होगा। इस तरह का कॉम्बिनेशन क्या कहलाएगी, सीरीज कॉम्बिनेशन कहलाएगी। बात समझ में आया? चलिए ध्यान दीजिएगा, पहला रेसिस्टेंस, ठीक, इसका ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव टर्मिनल। हम और एक दूसरा और रेसिस्टेंस बनाते हैं, और एक रेसिस्टेंस बना देते हैं। चलिए, क्लियर? टर्मिनल की बात करें तो इसका ये टर्मिनल कौन सा है, पॉजिटिव, इसका ये नेगेटिव, तो ये वाला इसका पॉजिटिव, ये वाला नेगेटिव, तो ये वाला इसका पॉजिटिव और ये वाला नेगेटिव। आपको टर्मिनल क्या मिला, इधर प्लस और इधर माइनस। इसको आप एसी सोर्सेस से या किसी सोर्सेस से कनेक्ट कर दीजिए, पोटेंशियल डिफरेंस से कनेक्ट कर दीजिए। बात समझ में आया? किससे कनेक्ट करेंगे हम लोग, बैटरी से। ये पॉजिटिव है मतलब ये प्लस और ये इधर माइनस। बात समझ में आया? चलिए, तो इस डायरेक्शन में क्या फ्लो होना शुरू होगा, करेंट होगा। ध्यान से समझिए, सपोज हमने यहां पे कितना रेसिस्टेंस लिया, तीन रेसिस्टेंस। पहला रेसिस्टेंस का नाम दे देते हैं R1। रेसिस्टेंस को किसे रिप्रेजेंट करते हैं, R से। पहला रेसिस्टेंस को R1, दूसरा को R2, इसको R3। ठीक, समझेगी बात। इसका टोटल पोटेंशियल यानी कि यहां से लेकर यहां टोटल पोटेंशियल क्या है आपका, भी टोटल पोटेंशियल कितना, भी। तो इस R1 का पोटेंशियल आपका क्या हो जाएगा, V1। ठीक, R2 का पोटेंशियल क्या होगा, V2। और R3 का पोटेंशियल क्या होगा, V3। यानी कि ये सो किया V किसके बराबर, V1 प्लस V2 प्लस V3 के बराबर। क्लियर?
इस टाइप का क्वेश्चन भी तीन नंबर के लिए पूछता है ना, याद रखना। बन गया फिगर सबको? yes, चलिए लिखेंगे। व्हेन टू और मोर, व्हेन टू और मोर, दो या दो से अधिक रेसिस्टर आर कनेक्टेड इन सीरीज, देयर आर थ्री रेसिस्टेंस R1, R2, and R3 are connected in the series combination। हो गया, पैराग्राफ चेंज कीजिएगा थोड़ा सा। इन दिस केस पोटेंशियल डिफरेंस आर डिफरेंट फॉर इच रेसिस्टर V1, V2, and V3 but current is the same for each resistor। बात समझ में आया होगा? एक बार ध्यान से समझेगी हम क्या लिखें कि हमारे पास में तीन रेसिस्टर है R1, R2, और R3 जो सीरीज कॉम्बिनेशन पे क्या है, कनेक्ट है। सीरीज कॉम्बिनेशन का मतलब समझ में आता है? yes, कि इस रेसिस्टेंस का नेगेटिव दूसरा रेसिस्टेंस का पॉजिटिव से कनेक्ट है, और दूसरा का नेगेटिव तीसरा का पॉजिटिव से कनेक्ट है, और फाइनली इसका नेगेटिव इसका पॉजिटिव से कनेक्ट होगा। ठीक, यहाँ पे क्या लिखे, इस केस में हर एक रेसिस्टेंस का पोटेंशियल डिफरेंस सबके लिए क्या होगा, अलग अलग होगा। जैसे कि R1 का पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, V1, R2 का पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, V2, R3 का पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, V, लेकिन करंट सबके लिए क्या होगा, सेम है। इसके लिए करंट कितना, I, तो इसके लिए भी कितना, I, तो इसके लिए भी I। ये डायग्राम में आपको समझ में आता है, इनपुट आपका कितना है, आई है, तो आउटपुट भी कितना है, आई, मतलब इधर से आई जा रहा है सब में। बात समझ में आया? yes, कि डाउट है अभी भी? no, नहीं। चलिए ध्यान दीजिएगा आगे। Therefore, total potential in series combination कितना है, भी टोटल पोटेंशियल इन सीरीज कॉम्बिनेशन, टोटल पोटेंशियल सीरीज कॉम्बिनेशन का कितना, भी, और ये भी किसके बराबर, V1 plus V2 plus V3 के बराबर, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। क्लियर? हो गया। अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ बोलिए भी इज इक्वल टू आई आर। हो गया, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। अब कॉम्बिनेशन कौन सा पढ़ रहे हैं, सीरीज, इसलिए किसका सीरीज, रेसिस्टर का। यहाँ पे रेसिस्टर R है, क्या हम यहाँ पे S लिख सकते हैं, S फॉर सीरीज। समझ में आया?
डाउट है? चलिए ध्यान दीजिएगा। और भी के जगह में हम भी वन भी लिख सकते हैं। तो भी वन इज इक्वल टू आई आर वन, आप लिख चुके हैं। करेंट इज द सेम फॉर इच रेसिस्टर, सब जितना भी रेसिस्टर है उसका करेंट सबका क्या है? सेम है। क्लियर? वी टू इज इक्वल टू बोलिए आई आर टू, और वी थ्री इज इक्वल टू आई आर थ्री। बात समझ में आया? समझ पा रही है? पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट, पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट, चलिए फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट ध्यान दीजिएगा क्या लिखा हुआ है। भी है, ये भी आपका भी है, तो भी के जगह में क्या लिख सकते हैं? आई आर एस इक्वल टू भी वन के जगह में आई आर वन प्लस आई आर टू प्लस आई आर थ्री। क्लियर? और आई आर एस इज इक्वल टू आई को हम कॉमन बाहर निकाल देते हैं, क्या मिला? आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री। ये आई से ये आई कैंसल, तो आर एस इक्वल टू आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री। अब गौर कीजिएगा, जब आप कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर पढ़े थे सीरीज में, ठीक, तो वो आपका जस्ट इसका अपोजिट आया था, 1/C1 प्लस 1/C2 आया था क्या? लेकिन ये किसके तरह आया? ये पैरेलल की तरह, कैपेसिटर का पैरेलल और रेसिस्टेंस का सीरीज बराबर होता है। ध्यान दीजिएगा, है, देखिए कैपेसिटर का पैरेलल में C1 प्लस C2 प्लस C3 है, उसी तरह से ये R1 प्लस R2 प्लस R3 है। बात समझ में आया? इसको हाईलाइट कीजिएगा। इफ, थोड़ा सा एक लाइन, इफ देयर आर nth रेसिस्टर, इफ देयर आर nth रेसिस्टर्स आर कनेक्टेड इन सीरीज कॉम्बिनेशन, आर कनेक्टेड इन सीरीज कॉम्बिनेशन, लिख लिए, देयरफोर आर एस इक्वल टू क्या होगा? आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री प्लस डॉट डॉट आर एन होगा। रेसिस्टर्स इन पैरेलल, रेसिस्टर्स इन पैरेलल, पैरेलल का क्या मतलब? जितना भी आप रेसिस्टर लेंगे सभी का पॉजिटिव टर्मिनल एक पॉइंट पे और नेगेटिव टर्मिनल एक पॉइंट पे कनेक्टेड होगा। समझ में आया? जैसे हमारे पास में तीन रेसिस्टर, ये पहला रेसिस्टर, दूसरा रेसिस्टर, और ये रह गया आपका तीसरा रेसिस्टर। सबका पॉजिटिव टर्मिनल एक पॉइंट पे और सबका नेगेटिव टर्मिनल एक पॉइंट पे कनेक्ट होगा। ये आपका क्या है? पॉजिटिव। ये क्या है आपका? नेगेटिव। और ये हो जाएगा आपका पोटेंशियल डिफरेंस से कनेक्ट, ये पॉजिटिव टर्मिनल इधर वाला को दे देते हैं नेगेटिव टर्मिनल। क्लियर? ये रेसिस्टेंस का नाम R1, इसका R2, इसका R3। क्लियर? इसका टोटल पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा? भी, ठीक, समझिएगा यहां पॉइंट को। अब यहां से क्या निकल रहा है आपका? करंट आई निकल रहा है, निकल रहा है, तो आउटपुट भी आपका कितना करंट होगा? आई। लेकिन इस पॉइंट पे करंट आई पहुंचने के बाद ये तीन पार्ट में डिवाइड हो जाती है,
हो रही है तीन पार्ट में डिवाइड, कौन करंट डिवाइड हो रही है, आई करंट। आर वन की तरफ जाने वाली करंट को हम आई वन करंट दे देते हैं, आर टू की ओर जाने वाली करंट को आई टू, और आर थ्री की ओर जाने वाले को आई थ्री करंट। क्लियर? ये तीनों करंट फिर यहाँ पे मिलेगा इस पॉइंट पे, इधर से कौन करंट मिलेगा आपका आई थ्री, इधर से आई टू और इधर से आई वन करंट, और तीनों मिलके कितना करंट बाहर आएगा, आई करंट। समझ में आया? मतलब इसमें क्या शो किया कि इस कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल सबका क्या होगा, सेम होगा, लेकिन करंट सबके लिए क्या होगा, अलग अलग होगा। पिछला वाला में करंट सबके लिए सेम था, पोटेंशियल अलग अलग था, जस्ट उसका उल्टा। क्लियर? क्या लिख पाएंगे इसको, दो लाइन लिख पाएंगे? क्या लिखेंगे? देयर आर थ्री रेसिस्टर आर कनेक्टेड इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। देयर आर थ्री रेसिस्टर्स, नाम भी दे दो, R1, R2 एंड R3, इस तरह से। देयर आर थ्री रेसिस्टर्स R1, R2 एंड R3 आर कनेक्टेड इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, आर पैरेलल कॉम्बिनेशन। लिख लिए? इन दिस केस करेंट इज डिफरेंट फॉर ईच रेसिस्टर आई वन आई टू एंड आई थ्री, दिखाई देता है आपको। बट पोटेंशियल डिफरेंस इज सेम है। पोटेंशियल डिफरेंस इज सेम फॉर ईच रेसिस्टर। चलिए और एक चीज जानकारी के लिए समझ लीजिए, जो डिफरेंट होता है ना उसी को हम टोटल करते हैं, जो क्या रहता है डिफरेंट रहता है उसी को हम क्या करते हैं, टोटल करते हैं। जैसे कि पिछला वाला में हमारा डिफरेंट क्या था, पोटेंशियल, इसीलिए उसको हमने टोटल किया था। यहाँ पे डिफरेंट क्या है, आई मतलब करेंट, तो इसी को हम टोटल करेंगे। तो क्या लिखेंगे, देयरफॉर टोटल करेंट इन द पैरेलल कॉम्बिनेशन लिखेंगे। बोलो, आई इक्वल टू आई वन प्लस आई टू प्लस आई थ्री, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। समझ में आया? फिर से अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ में चलेंगे, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ। आई इक्वल टू क्या होता है, वी बाई आर, तो लिखें आई इक्वल टू वी बाई आर। क्या सीखें आप, ये टोटल करंट आई, पोटेंशियल तो सबके लिए सेम होता है, अब कॉम्बिनेशन कौन सा पढ़ रहे हैं, पैरेलल, तो क्या आर के जगह में यहां पे पी लिख सकते हैं, पी फॉर पैरेलल। क्लियर? सिमिलरली आई वन इक्वल टू वी बाई आर वन, पोटेंशियल तो सबके लिए सेम था, लेकिन आई वन में कौन सा रेसिस्टेंस है, आर वन, आर वन। समझ में आता है? उसी तरह से I2 में पोटेंशियल सबके लिए सेम, I2 किस में जा रहा है, R2 में। नहीं समझ में आया? आया। I3 V by R3। क्लियर? समझ पाई? पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट हो गया।
चलिए आई, आई के जगह में बोलिए वी बाई आर पी इक्वल टू आई वन के जगह में वी बाई आर वन प्लस वी बाई आर टू प्लस वी बाई आर थ्री और वी बाई आर पी इक्वल टू वी को कॉमन निकाल दें क्या मिलेगा वन बाई आर वन प्लस वन बाई आर टू प्लस वन बाई आर थ्री ये भी से ये भी कैंसल तो वन बाई आर पी इक्वल टू क्या मिला वन बाई आर वन प्लस वन बाई आर टू प्लस वन बाई आर थ्री लीजिए हो गया If there are nth resistor are connected in parallel combination. If there are nth resistor are connected in parallel combination. हो गया तब बताइए वन बाई आर पी इक्वल टू वन बाई आर वन प्लस वन बाई आर टू प्लस वन बाई आर थ्री प्लस डोट डोट वन बाई आर एन लीजिए क्लियर लिखिएगा थ्री रेसिस्टर्स ऑफ रेसिस्टेंस 2 ओम 3 ओम बनेगा पहले तो गिवन दैट लिखेंगे हम लोग आर वन इक्वल टू कितना 2 ओम आर टू इक्वल टू 3 ओम और आर थ्री इक्वल टू 6 ओम है हम जानते हैं वन बाई आर पी पैरेलल कॉम्बिनेशन में है वन बाई आर वन प्लस वन बाई आर टू प्लस वन बाई आर थ्री तो 1 बाई आर पी इक्वल टू 1 बाई टू प्लस 1 बाई थ्री प्लस 1 बाई सिक्स सही है एलसीएम जल्दी बताइए 1 बाई आर पी इक्वल टू एलसीएम 6 तो कितना बच जाएगा 3 प्लस 2 प्लस 1 तो 1 बाई आर पी इक्वल टू 6 बाई 6 ठीक इसको हम आर पी भी कर देते हैं तब भी आपको 6 बाई 6 मिलेगा तो आर पी का क्या वैल्यू हो गया 1 ओम समझ में आया ये तो दोनों में 6 बाई 6 आया अगर डिफरेंस वैल्यू रहेगा तो इसका डिफरेंट वैल्यू आ जाएगा क्योंकि आरपी जब आप करेंगे तो नीचे वाला ऊपर चला जाएगा ऊपर वाला नीचे इस तरह से ठीक नहीं समझ में आया आया 1 ओम आप बहुत सा वैल्यू लेके बना सकते हैं क्वेश्चन ठीक सकेंगे तो फिजिक्स को आज के लिए यहीं तक रखते हैं कल फिर से एक नया टॉपिक
लेके हम लोग आगे चलेंगे, ठीक।